अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे इस अजीम शख्सियत की जिसने मंगोल कबाइल को मुत्तहिद किया और दुनिया की तारीख का रुख बदल दिया। ये कहानी है चंगेज़ खान की, जिनका असल नाम तेमोजिन था। तेमोजिन 1162 में मंगोलिया की सर्द मैदानों में पैदा हुए। इनका बचपन इंतहाई मुश्किलात और मसाइब में गुज़रा। इनके वालिद यसुगे एक कबीले के सरदार थे, लेकिन जब तेमोजिन की उम्र सिर्फ 9 साल थी, इनके वालिद को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। अपने वालिद की मौत के बाद तेमोजिन और इनकी फैमिली को कबीले ने छोड़ दिया। तेमोजिन की वालिदा होयलन ने बड़ी मेहनत और हिम्मत से अपने बच्चों की परवरिश की। उन्होंने तेमोजिन को ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने का हौसला दिया। जवानी में तेमोजिन ने अपने कबीले को दोबारा इकट्ठा करने का आज़म किया। उन्होंने अपने करीबी दोस्त जामुका और दीगर साथियों की मदद से मुख्तलिफ कबाइल के साथ इतिहाद बनाया। तेमोजिन की शादी बोल्टन नामी एक खातून से हुई, जो इनकी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती थी, लेकिन इनके खिलाफ साजिशें जारी रहीं और बोल्टे को अगवा कर लिया गया। तेमोजिन ने बड़ी बहादुरी से अपनी बीवी को बाजियाब करवाया और अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। इन तमाम मुश्किलात और जंगों के बाद तेमोजिन ने मंगोल कबाइल को मुत्तहिद किया और 1206 ईस्वी में एक अजीम इज्तिमा मुनक़िद किया, जिसमें इन्हें चंगेज़ खान यानी अजीम हुकुमरान का लकब मिला। यहाँ से शुरू होती है चंगेज़ खान की अजीम फतुहात की दास्तान, जिसमें उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े इलाकों को फतह किया और मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। हमारे साथ रहें, क्योंकि अगली वीडियोस में हम चंगेज़ खान की फतुहात और मंगोल सल्तनत की तफसीलात पर बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी।